सहारा समूह द्वारा संचालित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान कराया जाए। सुनिए, ये देश के गरीब जनता का पैसा सहारा इंडिया में जमा था और बिहार के सबसे मशहूर पत्रकार सहारा हॉस्पिटल के बाहर से वीडियो बनाए थे जिनका नाम है मनीष कश्यप। वास्तव में कोई भी टेलीविजन चैनल पे, कोई भी मीडिया हाउस सहारा पीड़ितों की आवाज को नहीं उठाता है जो निश्चित रूप से उठाना चाहिए। भुगतान जल्द कराओ, भुगतान जल्द कराओ, भुगतान नहीं नमस्कार दोस्तों, अभी हम लौरिया के साहू जैन स्कूल में के प्रांगण में है और यहाँ पे अभी जो है अमित शाह जी का जो है कार्यक्रम संपन्न हुआ है और अभी कुछ देर पहले ही जो है अमित शाह जी जो है अपना अभिभाषण देकर के जो है और मंच से जो है जाने के लिए जो है प्रस्थान किए हैं। और लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है हमारे सामने यह निकल करके आई है कि यहाँ पे देखिए इन लोगों के हाथों में एक पोस्टर बैलेट है जिस पर लिखा हुआ है सहारा समूह द्वारा संचालित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान कराया जाए। आप जानते हैं यह क्या है? बीते दो सालों से जो है सहारा इंडिया नाम का एक बैंक था जो लोगों को जो है पैसा बतौर बीमा के तौर पर जमा करता था, लेकिन दो साल से जो है किसी भी व्यक्ति को की जो है पॉलिसी का भुगतान नहीं कर रहा है, जिससे तंग आकर के और अमित शाह जी के रैली में तमाम सारे बीमा धारक, खाता धारक लोग यहां पे जो है बतौर पोस्टर बैलेट के साथ जो है अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए आए हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से ये सरकार बनी इंडिया में, तब से जो है लगातार जो है सहारा इंडिया के ऊपर शिकंजा कसा जाने लगा और शिकंजा इतना कसा कि आज हालत ऐसा है कि सहारा इंडिया जो है किसी भी पब्लिक का जो है भुगतान नहीं कर रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दे कि सहारा इंडिया बैंक में जितने भी लोगों ने जो है अपनी पैसा जमा किया था वो सारे लोग जो है मध्यम वर्गीय है, सबसे लो फैमिली से बिलोंग करते हैं और वही लोग जो है सहारा इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किए थे। आइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लोग पोस्टर बैलेट के साथ यहाँ पे आए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग अमित शाह जी के रैली में आखिर किस उद्देश्य से जो है पोस्टर बैलेट के साथ आए हैं और क्या उम्मीद रखते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? आप भी इसमें पैसा जमा किया? जी, हम सब सहारा पीड़ित जमा करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, यह अमित शाह जी का रैली है, इसमें जो है आप लोग फाइनेंशियल से रिलेटेड, वह देश के गृह मंत्री है लेकिन यह फाइनेंस के अंडर में आता है और आप फाइनेंशियल से रिलेटेड उनके कार्यशैली में, उनके रैली में जो है आप लोग इस प्रकार के पोस्टर बैलेट लेके आए, क्या उम्मीद है, क्या आप लोग कहना चाहते हैं? उम्मीद क्या, ज्ञापन मेरा नहीं वहाँ तक पहुँच पाया, ऐसे इसके पहले जो है दिल्ली में हमारे जो जो भी जमाकर्ता है वो ज्ञापन दिए हैं और उस पर भी तो कोई कार्रवाई नहीं है। आपका क्या नाम पड़ेगा? अच्छा, अच्छा, क्या उम्मीद लेकर के अमित शाह जी के रैली में आए हैं? कि अमित शाह आए हैं, गरीबों के रक्षा करेंगे। आज तक के 450-500 आत्महत्या एजेंट लोग कर लिए, जमा करता एजेंट है। हाँ, तो एजेंट भी है, जमा करता भी है। 450 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लिए और अपनी सोहनी करके इसमें गरीबों लोगों ने पैसा जमा किया था, लेकिन इस पर सभी मंत्री संतरी सबको ही बिक चुका है, मीडिया वाले भी बिक चुके हैं, कोई पहल नहीं कर पाते हैं, कोई आवाज गरीब जनता के नहीं उठा पाते हैं। अमित शाह जी के रैली में आप लोग आए हैं, क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग उम्मीद उठाना चाहते हैं कि अमित शाह इस बात को गरीब जनता पर ध्यान दे, इस सरकार ध्यान दे, भारत सरकार ध्यान दे, मोदी जी से ऐसा उम्मीद रखते हैं कि आज जो आत्महत्या हो रही है, उन लोगों से बात करने की कोशिश कर यही लेकर के आए हैं कि जिस विभाग का ये हम लोग का पैसा जिस विभाग में है, ये अमित शाह उसी विभाग के है, कोऑपरेटिव के, तो हम लोग कहने आए हैं उनसे कि कोऑपरेटिव का जो पैसा है हम लोग सारा इंडिया 27 वर्ष हमारा समय गुजर गया, आज तक हम लोग आप जो है मर रहे हैं, पब्लिक मर रही है, हम लोग तबाह तबाह हो गए, पैसा नहीं मिल रहा है, ये कौन दिलवाएगा? सुनिए, ये देश के गरीब जनता का पैसा सहारा इंडिया में जमा था और बिहार के सबसे मशहूर पत्रकार सहारा हॉस्पिटल के बाहर से वीडियो बनाए थे जिनका नाम है मनीष कश्यप, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज तक लटकार करके रखा गया है। वास्तव में कोई भी टेलीविजन चैनल पे, कोई भी मीडिया हाउस सहारा पीड़ितों की आवाज को नहीं उठाता है जो निश्चित रूप से उठाना चाहिए, क्योंकि उसमें 1000 नहीं 2000 नहीं कई 100 करोड़ रुपया जो है पब्लिक का उसमें फंसा हुआ है। जो लोग पूरी मध्यम वर्गीय से आते हैं, जो आज काम करेंगे कल खाते हैं, आज सहारा इंडिया के ऑनर के पास
करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति है, लेकिन ये जितने भी बीमा जमा करता है पॉलिसी धारक हैं वो सभी दर बदर ठोकरे खा रहे हैं और अमित शाह जी के रैली में आकर उनसे गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम सरकार इसके लिए भी एक पहल करे। आइए कुछ लोग और हैं उनसे भी जानने की प्रयास करें। हमारा भुगतान जल्द कराओ, जल्द कराओ, जल्द कराओ, हमारा भुगतान जल्द कराओ, जल्द कराओ, जल्द कराओ, हमारा सब भुगतान नहीं जो पुलिस में जाए।